विधुना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम साहसपुर में एक 35 वर्षीय युवती की जहरीला पदार्थ के सेवन से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतिका के पति ने पड़ोस के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी द्वारा जहर खाकर जान दिए जाने की बात कही है। पति ने आरोपी युवक के दरवाजे मृतिका का शव रख कर युवक पर जहर दिए जाने का आरोप लगाया है। सीओ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतिका के मायके से स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम साहसपुर निवासी धर्मवीर शंखवार का विवाह जलुपुर निवासी राजरानी के साथ 2003 में हुआ था। राजरानी के दो पुत्रियां और एक पुत्र है। धर्मवीर दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी करता है। धर्मवीर बीते दिवस ही दिल्ली से वापस आया था। इसी बीच पड़ोस के मोनू से प्रेम प्रसंग को लेकर धर्मवीर और राजरानी के बीच वाद विवाद हुआ। तभी मौका पाकर राजरानी ने कोई जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया। राजरानी की हालत बिगड़ते देख धर्मवीर राजरानी का उपचार कराने एक प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ ले गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पति ने मृतका के प्रेमी पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए मृतका का शव उसके दरवाजे रख दिया। सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी मुकेश प्रताप सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद शुक्ल, इंस्पेक्टर क्राइम निर्भय चंद आदि पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतका के मायके के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। ना ये हो गई, मैं दिल्ली रहता था जी। मेरे से मेरी घरवाली ने बोला था कि तुम दिल्ली चले जाओ, पैसे ले आना, मकान बनाएंगे। क्या नाम है घरवाली का? घरवाली का नाम राजरानी है जी। हम साहब वहाँ काम कर रहे थे सिक्योरिटी का जी। हम साहब लॉकडाउन में वहाँ रुक गए जी। लॉकडाउन जैसे ही अब खत्म हुआ, मेरी घरवाली बोली कि अब तो आ जाओ, पांचवा महीना चल रहा जी, अब तो आ जाओ घर है। तो हमने कि ठीक, हम आ रहे घर है जी। हम वहाँ से आए तो हमसे, जैसे ही हम यहाँ आए, हमसे इन्हें प्रेम से बात नहीं करी जी। हमने किया ऐसा क्या मैटर था, तुमने बुला लिया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमारी तुम्हारी यहीं तक की जिंदगी थी, हमने ऐसी बातें क्यों कर रही हो। बोली हमारे, देखो तुम सब बात जानते हो, हमारा मोनू से कांटेक्ट हो चुका है, तुम्हारे पास मोनू का नंबर भी पहुंच चुका, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मोनू की है जी। तो उस लड़के ने इनको वहाँ जाते रास्ते में जाते हुए तो इनको कोई दवाई दी, हमारी लड़की साथ में जा रही थी, उसने देखा, पता नहीं इनको दवाई दी कि पैसे दिए क्या दिया जी। ये लड़की हमारी उनके पीछे पीछे घूमते रही। शाम को ये बोले हम नहाएंगे, तो ये नहाने के लिए अपने उसमें बाथरूम के कपड़े पड़े उतारने चली, तो इन्होंने वो पुड़िया निकाल के बक्से के नीचे दबा दी जी। हमारी लड़की ने उचका के देखा तो हमको बताया, पापा मम्मी के पास पता नहीं कहा दवाई है कि डाई है, कहा है। फिर क्या हुआ? फिर लड़की ने मेरे फोन किया, मैं दिल्ली था कि ऐसी बात पापा आता, हम नहीं चला, हम आ रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ आई, उसकी बहन यही है, उसके बहन के सामने उसने बोला कि देखो हम मोनू के पीछे मर जाएंगे, हम तुम्हारे पीछे नहीं रहेंगे अब। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस्कप।